कक्षा 5 विषय हिंदी और आज का हमारा टॉपिक है तीसरा नन्हा मुन्ना राही हूँ। अगले लेक्चर में हमने इस कविता की समझूती ली। अब इस लेक्चर में हमें अभ्यास और स्वाध्याय समझेंगे। अभ्यास का पहला प्रश्न, ऐसे कार्य बताओ जो तुम देश सेवा के लिए करना चाहते हो या करते हो। इस क्वेश्चन का उत्तर है कि ऐसे कार्य है जो देश सेवा के लिए हमें करना चाहिए। पहला है, हमें झगड़ा या गाली गलौज नहीं करना चाहिए। दूसरा है, हमें कूड़ेदान में ही कूड़ा डालना चाहिए। तीसरा है कि पानी की बचत करनी चाहिए। और चौथा है, बिजली की भी बचत करनी होगी और अच्छी तरह से पढ़ाई करनी होगी। अब दूसरा क्वेश्चन, अगर तुम सिपाही होते तो क्या करते। तो इस क्वेश्चन का उत्तर है कि अगर हम सिपाही होते तो डटकर सरहदों की रक्षा करते, किसी भी मुसीबत में राष्ट्र का द्रोह न करते, आपत्ति के समय मेरे प्राण भी हम दे देते। क्वेश्चन नंबर 3, एक सैनिक लड़ते लड़ते घायल हो गया तो वह क्या सोचता होगा। तो इस क्वेश्चन का उत्तर रहेगा कि मैं घायल न होता तो अंत तक जूझता रहता। दूसरा, वो सैनिक ऐसा सोचेगा कि मेरे साथी सैनिक भावुक न हो तो अच्छा रहेगा। आगे है कि हम अपने देश के लिए प्राण दे रहे हैं। अब आगे क्वेश्चन नंबर 4, हम अपने राष्ट्रध्वज को तिरंगा क्यों कहते हैं, इसके रंगों के अर्थ बताओ। क्वेश्चन का उत्तर है कि हम अपने राष्ट्रध्वज को तिरंगा कहते हैं क्योंकि इस राष्ट्रध्वज में 3 रंग है। पहला है केसरिया, सफ़ेद और हरा। जो केसरिया रंग होता है वो वीरता और बलिदान का प्रतीक है। वैसे सफ़ेद रंग जो है वो शांति का प्रतीक है। वैसे हरा रंग जो हरियाली एवं समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 2 अभ्यास का, इस गीत में बच्चे द्वारा देश सेवा के लिए कुछ काम करने की भावना व्यक्त हुई है, गीत पढ़कर बताओ कि क्या होगा जब। इस क्वेश्चन का उत्तर, हमें कुछ 4 वाक्य दिए हैं। इस वाक्य के आधारित हमें जो हमें कविता दी है, गीत दिया है, उसके आधारित से इस क्वेश्चन का हमें उत्तर लिखना है। तो पहला है, बच्चा धूप में पसीना बहाएगा तब क्या होगा। तो हमें इस वाक्य का हमें गीत में से ढूंढकर उत्तर लिखना है। तो हम उत्तर लिख सकते हैं कि बच्चा धूप में पसीना बहाएगा तो खेत हरे भरे हो जाएंगे और फसल लहलहा उठेंगे, देश में समृद्धि आ जाएगी। अब दूसरा देखते हैं, दुनिया में कहीं बम नहीं गिरेंगे तो दुनिया में शांति बनी रहेगी और किसी को भी किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। आगे, बच्चा मंजिल से पहले कहीं दम नहीं लेगा तो उसे मंजिल अवश्य प्राप्त होकर ही रहेगी, वह आगे ही आगे बढ़ता जाएगा। लास्ट वाला, धरती पर पापी जन्म नहीं लेंगे तो दुष्कर्म खत्म हो जाएगा और धरती पर स्वर्ग उतर आएगा। अब अभ्यास का क्वेश्चन नंबर 3, गीत में एक पंक्ति है, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद। यह एक नारा है जो हम कहीं अवसरों पर बोलते हैं, सोचो और बताओ। तो हमें इस क्वेश्चन के कुछ 2 शब्द क्वेश्चन दिए हैं, उसी क्वेश्चन के
हमें उत्तर लिखने हैं। तो इनमें से पहला है, तुमने यह नारा किस अवसर पर बोला है। तो हमें इस क्वेश्चन का उत्तर है कि हमने यह नारा 15 अगस्त, 26 जनवरी, गांधी जयंती, शहीद दिन आदि अवसरों पर बोला है। क्वेश्चन नंबर 2, इस नारे के अलावा आप और कौन कौन से नारे बोलते हैं। तो उत्तर है कि इस नारे के साथ हम जय जवान, जय किसान, आज़ाद हिंद, जिंदाबाद, गांधी जी, अमर रहो, आधी रोटी खाएंगे, देश को बचाएंगे आदि नारे बोलते हैं। अब अभ्यास का क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इस गीत में बच्चे ने अपने आप को देश का सिपाही बताया है। तुम भी बड़े होकर कुछ न कुछ बनना चाहते होंगे, बताओ। तो इस क्वेश्चन में आप क्या बनना चाहते हो, इसके बारे में हमें लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर पहला, बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो, तो वो आप अपने विचार से लिख सकते हैं कि मैं बड़ा होकर शिक्षक बनना चाहती हूँ। फिर क्वेश्चन है कि क्यों बनना चाहते हो, तो उसका हमें कारण लिखना है कि बच्चों को अच्छी शिक्षा देकर अच्छे नागरिक बनाना चाहता हूँ, जिससे देश हर दिशा में प्रगति करता रहे। तो इसके अलावा मैंने ये एग्जांपल में क्वेश्चन के आंसर्स लिखे हैं। आप कुछ जो भी बनना चाहते हैं, क्यों बनना चाहते हैं, उसका कारण के साथ इस क्वेश्चन का उत्तर लिखना पड़ेगा। अब आगे स्वाध्याय। स्वाध्याय का पहला प्रश्न, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो इनमें से पहला प्रश्न है, धूप में पसीना बहाने से क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का उत्तर है कि धूप में पसीना बहाने से खेत फसल से लहलहा उठेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, दुनिया की आँखों का तारा कौन बनेगा। तो इस क्वेश्चन का उत्तर है कि नन्हा मुन्ना राही सिपाही बनकर दुनिया की आँखों का तारा बनेगा। क्वेश्चन नंबर 3, नन्हा राही सबको क्या सिखाएगा। तो इस क्वेश्चन का उत्तर है कि जो नन्हा राही जो है वो सबको प्यार भरा व्यवहार सिखाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, नन्हा राही दुनिया में क्या गिरने नहीं देगा। तो उत्तर है कि जो नन्हा राही है वो दुनिया में बम गिरने नहीं देगा। क्वेश्चन नंबर 5, देश का सिपाही कौन है। तो हमने इस कविता गीत जो पढ़ा, इनमें से देखा कि देश का सिपाही है वो एक नन्हा बालक है। क्वेश्चन नंबर 6, नन्हा राही रास्ते पर कैसे चलेगा। तो इस क्वेश्चन का उत्तर है कि नन्हा राही जो रास्ते पर निडर होकर सीना तान कर चलेगा। अब स्वाध्याय का क्वेश्चन नंबर 2, सूचना पढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्दों का विलोम शब्द ढूंढकर लिखिए। तो हमें कुछ शब्द दिए हैं, उसका हमें विलोम शब्द ढूंढकर उसके सामने लिखना है। वैसे एक की ओर लिखा है कि आगे, बड़ा, दायां, धूप, धरती, ऊंचा, और इस तरह लिखा है नीचा, छाव, पीछे, बायां, छोटा, आकाश। तो हमें इन दोनों को विलोम शब्द ढूंढकर लिखना है। पहला है आगे, तो आगे का विलोम होगा पीछे, बड़ा का रहेगा छोटा, दायां का है बायां, धूप का छाव, धरती का आकाश और ऊंचा का नीचा। हमें ऐसे विलोम शब्द लिखने हैं। दूसरा है
हमें कुछ उदाहरण दिया है, वैसे आगे फिर पीछे ऐसे ही हमें लिखना है। और नीचे लिखा है कि उपर्युक्त विलोम शब्द आधारित वाक्य बनाइए, तो उसका भी हमें उदाहरण दिया है कि सब बच्चे आगे चले जा रहे थे, और दूसरा है कोई भी बच्चा पीछे नहीं रहना चाहता। तो इस उदाहरण के आधारित से हमें जो बड़ा, दायां, धूप, धरती, ऊंचा, उसके विलोम शब्द के साथ हमें और वाक्य बनाने हैं। तो वाक्य बनाते हैं, इनमें से पहला बड़ा का और छोटा का वाक्य बनाते हैं। तो मेरा बड़ा भाई किसान है, मेरा छोटा भाई डॉक्टर है। इनमें से जो बड़ा और छोटा दोनों विलोम शब्द का वाक्य हमने बनाया, वैसे और दायां और बायां का बनाते हैं। अशोक का दायां पैर जख्मी है, अशोक का बायां पैर अच्छा है। अब हम छाव और धूप का बनाते हैं। धूप में पसीना निकलने लगता है, छाव में शीतलता मिलती है। अब हम धरती और आकाश का बनाएंगे। धरती में पौधा उगता है, आकाश में बादल होते हैं। अब हम ऊंचा और नीचा का बनाएंगे। नारियल का पेड़ ऊंचा है, तुलसी का पौधा नीचा होता है। अब स्वाध्याय का तीसरा क्वेश्चन सूचना पढ़ते हैं। नीचे दिए गए शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द सामने दिए गए आयात में से ढूंढ कर लिखिए। तो हमें कुछ शब्द दिए हैं, राही, सिपाही, धरती, रास्ता और मंजिल। और बॉक्स में कुछ शब्द दिए हैं, फौजी, राह, मुसाफिर, धरा, पंथ, लक्ष्य, पृथ्वी, ध्येय, सैनिक और पंथी। तो हमें जो शब्द दिए हैं, राही, सिपाही, धरती, रास्ता और मंजिल, उनका हमें बॉक्स में दिए गए कुछ शब्द ढूंढकर उसके पर्यायवाची शब्द दो दो लिखने हैं। ठीक है, तो शुरू करेंगे राही। तो राही के दो पर्यायवाची शब्द इनमें से हमें ढूंढना है कि मुसाफर, मुसाफिर और पंथी, जो राही के दो पर्यायवाची शब्द है। सिपाही के देखते हैं, तो सिपाही का रहेगा फौजी और सैनिक, वो सिपाही के दो पर्यायवाची शब्द है। तीसरा है धरती, तो धरती का रहेगा पृथ्वी और धरा। रास्ता, तो रास्ता का दो पर्यायवाची शब्द है पंथ और राह। मंजिल का लक्ष्य और ध्येय। अब स्वाध्याय का क्वेश्चन नंबर 4, मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। तो मातृभाषा यानी कि हमारी गुजराती, हमें इस वाक्य को गुजराती करना है। तो पहला है, धरती पर पापी जन्म नहीं लेंगे। तो इस वाक्य का हमें मातृभाषा में अनुवाद करना है। तो उत्तर रहेगा, पृथ्वी ऊपर पापी जन्म लेशे नहीं। दूसरा है, बच्चे रास्ते पर बिना डरे चल पाएंगे, बालको रास्ता ऊपर डरिया वगर चाली शक्षे। क्वेश्चन नंबर 3, मैं देश का सिपाही हूँ, देशनो सैनिक छू, दुनिया में कहीं भी बम नहीं गिरेगा, दुनिया में क्या पण बॉम्ब पड़शे नहीं। हमारे देश का नाम भारत है, अपना देश नु नाम भारत छे। अब स्वाध्याय का क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित भावार्थ से संबंधित पंक्तियाँ में से ढूंढ कर लिखिए।
तो हमें कुछ भावार्थ दिए हैं, इस भावार्थ का हमें पंक्ति बनाकर लिखना है, वो जो हमें आगे गीत में है। तो पहला है, नन्हा राही बिना डरे रास्ते पर चलेगा। तो इस भावार्थ की पंक्ति रहेगी, रास्ते पे चलूँगा न डर डर के। दूसरा है, नन्हा राही मंजिल पाए बिना दम नहीं लेगा। तो इस भावार्थ की पंक्ति है, मंजिल से न लूँगा कहीं दम। तीसरा, नन्हा राही सबका प्यारा बनेगा। तो इस भावार्थ की पंक्ति है, दुनिया की आँखों का तारा बनूँगा। चौथा, हमारा देश शांति प्रिय है। तो पंक्ति है, शांति की नगरी है मेरा यह वतन। क्वेश्चन नंबर 6, उचित शब्द चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए। तो हमें कुछ खाली जगह दी है, इनमें से कोष्ठक में कुछ शब्द लिखे हैं, उसमें से हमें सही शब्द ढूंढकर यहाँ पे रिक्त स्थान भरना है। तो पहला है, लड़के खेल, कोष्ठक में दिया है रहा है या रहे हैं, तो हमें लिखना है लड़के खेल रहे हैं। दूसरा है, क्रिकेट खेलता हूँ, तो कोष्ठक में दिया है मैं और हम, तो यहाँ रिक्त स्थान में मैं आएगा, तो मैं क्रिकेट खेलता हूँ। आगे तीसरा, आप कहाँ जा रहे, यहाँ पे खाली जगह है फिर क्वेश्चन मार्क है, तो यहाँ हमें कोष्ठक में दो दिए है और है, तो यहाँ पे आएगा आप कहाँ जा रहे हैं, जो दो मात्रा और बिंदी। क्वेश्चन नंबर 4, खाली जगह किताबों में से आपकी किताब कौन सी है, तो यहाँ पे कोष्ठक में दो शब्द है ये और इन, तो यहाँ पे इन आएगा, इन किताबों में से आपकी किताब कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 5, हम, तो यहाँ पे कोष्ठक में दिया है पढ़ता है पढ़ते हैं, तो यहाँ आएगा पढ़ते हैं, तो हम पढ़ते हैं। अध्याय का क्वेश्चन नंबर 7, कविता के आधार पर देश या सिपाही के बारे में 5-7 वाक्य लिखिए। इस क्वेश्चन का उत्तर हम दो तरीके के दे सकते हैं, कि देश या सिपाही। तो देश के बारे में कुछ 5-7 वाक्य पहले लिखते हैं, फिर बाद में सिपाही। तो पहले देश के बारे में, भारत हमारा देश है, पुराने ज़माने में यह भरत नाम के एक वीर और प्रतापी राजा हुए थे, उन्हीं के नाम से हमारा देश भारत कहलाया। भारत का दूसरा नाम हिंदुस्तान है, दिल्ली भारत की राजधानी है, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, हमारा देश विशाल है, यहाँ विविध जाति और धर्म के लोग रहते हैं, वे आपस में मिलजुल कर रहते हैं। भारत कृषि प्रधान देश है, यहाँ 70% लोग खेती करते हैं, यह देवभूमि है, हमारा देश भारत मुझे प्राणों से भी प्यारा है। यह हुआ देश के बारे में। अब हम सिपाही के बारे में क्वेश्चन के उत्तर देखते हैं। सिपाही बड़ा निडर और साहसी होता है, देश की आज़ादी और देशवासियों की रक्षा करना ही उसके जीवन का लक्ष्य है, देश के लिए शहीद ही जाने में वह कभी नहीं झिझकता, भारत का जवान हमेशा आगे बढ़ता रहता है, वह कभी किसी पर जुल्म नहीं करता, उसकी यही कोशिश रहती है कि तिरंगा बड़ा हमेशा ऊंचा रहे, देश में सुख शांति बनाई रहे। सिपाही अपना कर्म के साथ कर्तव्य भी समझता है।
अब स्वाध्याय का क्वेश्चन नंबर 8। इस गीत में बच्चे ने सिपाही बनकर देश की सेवा करने की भावना व्यक्त की है। सोचो, क्या देश की सेवा केवल सिपाही बनकर ही की जा सकती है? बताओ, लिखो, देश की सेवा कैसे करते हैं? हमें नीचे दिए गए कुछ शब्द हैं, किसान, शिक्षक, खिलाड़ी, कलाकार और आप। इनके बारे में हमें कुछ लिखना है। तो इनमें से पहला है किसान। तो किसान देश की सेवा कैसे करता है? कड़ी मेहनत द्वारा बहुत अनाज पैदा करके फिर कुदरती खाद्य का उपयोग बढ़ाकर और कृत्रिम खाद व दवाइयों का उपयोग कम करके। अब दूसरा है शिक्षक। तो शिक्षक बच्चों को उत्तम शिक्षा देकर बच्चों में जीवन कौशल्य व जीवन मूल्य स्थापित करके ऊंचे आदर्शों का आचरण करके। तीसरा है खिलाड़ी। खेल दिली रखकर धोखेबाजी छोड़कर और सही अर्थ में अपना कौशल्य दिखाकर। अब आगे कलाकार। कलाकार जो है वो आजीवन कला की साधना करके केवल अर्थ को एकमात्र लक्ष्य न बनाकर सकारात्मक दृष्टिकोण रखकर मूल्यों को उजागर करके। और लास्ट में आपका जो मैं। तो आप देश की सेवा कैसे करते हैं? तो मैंने कुछ एग्जांपल में लिखा है कि अच्छी पढ़ाई का अपना कर्तव्य पूर्णा करके, अच्छे गुणों का स्वीकार करके, ऊंचे आदर्श रखकर और उनका आचरण करके, छोटी छोटी बातों का महत्व समझकर।